हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि पूरे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट अधिकतर रहते हैं वो हैरान रहते हैं। तो इस बार क्या है, नियम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो स्कॉलरशिप पहले फॉर्म भरता था अपना, तो पहले अपना MP स्कॉलरशिप 2.0 से जो है फॉर्म भरा जाता था। इस बार क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसमें वेबसाइट भी चेंज हो गई। क्या है उसमें कर दिया गया है MP टास्क। तो जो पहले MP स्कॉलरशिप 2.0 से वो से जो है स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जाते थे, इस बार क्या है MP टास्क से स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जाते हैं। और आपको पता होगा सबसे बड़ा इशू उसमें क्या आ रहा है MP टास्क में, जिन भी स्टूडेंटों को क्या है समग्र ID में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती है, या फिर जाति प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती, या फिर नाम सही नहीं होता है, तो क्या उनका रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पंजीकरण बिल्कुल होता ही नहीं है, आगे ही नहीं बढ़ता है फॉर्म। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंटों का समग्र ID में यदि डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो क्या है आप अपने क्या है सचिव के पास जा कर के जो है उसको सुधरवा सकते हैं। और यदि आपके कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो आप जा कर के लोक सेवा से अपने सुधरवा सकते हैं। और जैसे ही आपका सुधर जाएगा तो आपके फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्या है EKYC की ज़रूरत होती है। तो EKYC किस माध्यम से होती है, EKYC दो माध्यम से होती है, एक होती है OTP के माध्यम से और एक होती है फिंगर के माध्यम से। यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आपके आधार से, तो आप जो है अपना EKYC अपने थंब के माध्यम से कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन कैफे पर जा कर के। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, यदि आप प्रतिभा किरण या फिर गाँव की बेटी का फॉर्म भरेंगे तो आपका MP स्कॉलरशिप 2.0 से ही आपका फॉर्म है जो भरेगा। और जो भी जानकारी आएगी MP स्कॉलरशिप के तहत, मैं आपको और भी आगे की जानकारी देते जाऊंगा। और फिलहाल मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूं, तो स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट्स भरते समय आपको आपकी आय, जाति और समग्र ID, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, Gmail ID और एक फ़ोटो की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।